आप देख रहे हैं अनहोनी। इस कहानी के पिछले दो भागों में अब तक आपने जाना कि कैसे मुझे जंगल में पहरेदारी का काम मिलता है, जहां रात को मुझे किसी के गुर्राने की आवाजें आती हैं और साथ ही एक लाल आंखों वाला आदमी दिखता है जिसे देखकर मैं थोड़ा डर सा जाता हूं। तभी पीछे से कोई मेरे कंधे पर हाथ रखता है। जब पीछे पलट कर देखता हूँ तो वो मनोहर भैया होते हैं। खैर, अगले दिन जब मैं काम पर जाता हूँ तो मुझे मनोहर भैया वहीं जंगल के पास खड़े दिखते हैं, जिसके बाद मैं उनके साथ चलने लगता हूँ। कुछ दूर आगे जाते ही मेरी पाँव में एक कांटा चुभ जाता है। मैं कांटा निकाल ही रहा होता हूँ कि इतने में ही पीछे से कोई मेरे कंधे पर हाथ रखता है। जब मैं पीछे पलट कर देखता हूँ तो वो मनोहर भैया होते हैं। मैं मनोहर भैया के साथ पहरेदारी वाली जगह पर पहुँचता हूँ तो वहाँ ना ही खाट होता है और ना ही मेरा कोई साथी। तभी मुझे पीछे से एक भयानक आवाज़ आती है। अगर आपने इस कहानी के पिछले दो भागों को अब तक नहीं देखा है तो देख लें। वीडियोज़ के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पीछे से इस भयानक आवाज़ को सुनकर अब तक मेरी जान सूख चुकी थी। मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं पीछे पलटकर देख पाऊँ, मगर फिर भी मैंने किसी तरह से खुद को संभालते हुए पीछे पलटा तो पाया कि पीछे मनोहर नहीं बल्कि वही लाल आंखों वाला आदमी है। वो आदमी अपनी लाल चमकती आंखों से एकटक मुझे देखे जा रहा था और बड़ी ही अजीब ढंग से मुझे देखकर हंस रहा था। मैं किसी तरह से गिरते संभलते वहाँ से भागा और भागकर घर पहुँचा, और घर में दाखिल होते ही झट से अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। डर से मेरा पूरा शरीर कांपे जा रहा था। मुझे इस तरह घबराता देख मेरी पत्नी ने पूछा कि क्या बात है, तो मैंने उसे पूरा हाल बता दिया कि इतने में ही मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई, जिसने मेरी धड़कनों को एक बार फिर से तेज कर दिया। मैंने अपने दरवाजे के छेद से बाहर झांका तो बाहर मनोहर भैया थे। इतने में ही मेरी पत्नी भगवान शंकर का भभूत ले आई और मनोहर के ऊपर छिड़क देने को कहा। मेरी पत्नी के मुताबिक अगर बाहर खड़ा शख्स मनोहर होगा तो उसे इस भभूत का कोई असर महसूस नहीं होगा, और अगर वो कोई और हुआ तो वो छटपटाने लगेगा। मैंने भी ठीक वैसा ही किया। दरवाजा खोलते ही एकदम से मैंने वो भभूत मनोहर के ऊपर छिड़क दिया, जिसका कि उस पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने झट से मनोहर का हाथ खींचा और उसे घर के अंदर करने के बाद दरवाजा बंद कर लिया, जिस पर मनोहर ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? और तुमने मुझे आगे जाने को कहा और फिर तुम आए नहीं? जिस पर मैंने पूरी घटना मनोहर भैया को बता दी तो इस पर उन्होंने भी हामी भरी और उन्होंने भी मेरे साथ ही इस बात पर सहमति जताई, जिसके बाद हमने तुरंत ही बोला और हमारे बाकी साथियों को बुलाया। सबके आते ही हमने पूरी बात बताई तो पहले तो भोला ये मानने को तैयार ही नहीं था, मगर फिर जब हम सब ने एक साथ कहा तो वो भी एक बार को मानने को तैयार हो गया और बोला, अगर ऐसी बात है तो मैं फॉरेस्ट रेंजर से बात करता हूँ। लिहाजन हम सब उस जगह पर गए जहाँ फिलहाल अभी रेंजर्स रहते थे। हमारी पूरी बात सुनने के बाद वो कल रात हमारे साथ जंगल में रहने को मान गए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस यहाँ तक ही। अब आगे इस कहानी में क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखें इस कहानी का आखिरी भाग। कल रात ठीक 9 बजे तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूंगा आपसे इसी कहानी के आखिरी भाग के साथ।